Get the notification on time for regular updates. Click here. हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप। देखिए, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि आप VLC मीडिया प्लेयर से, एक्चुअली जो मीडिया प्लेयर आप अपना डेस्कटॉप और PC वगैरह में यूज़ करते हैं, उससे आप किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग आप कर पाइएगा, उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था। इसके अलावा भी उसमें और कुछ फंक्शंस हैं जो शायद आप नहीं जानते हो, तो आज हम लोग VLC मीडिया प्लेयर से रिलेटेड और कुछ फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो उस फंक्शन को जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप तो अपना VLC मीडिया प्लेयर में कोई वीडियो चला लिया। चलिए हम लोग कोई वीडियो चला लेते हैं, यही हमारा एक वीडियो है, इसको हम चलाते हैं और रिकॉर्ड करने को कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो जहां से आपको रिकॉर्ड करना है, देख लीजिए आपका मान लिया लॉगिंग हो जाइए, जिससे ये वाला ऑलरेडी यहाँ पर साइड जहाँ से भी आपको रिकॉर्ड करना है, जैसे मान लिया यहाँ से रिकॉर्ड करना है, ठीक है, हम फिलहाल अभी पॉज किए हुए, यहाँ से रिकॉर्ड करना है। तो अब यहाँ पे रिकॉर्ड का ऑप्शन में देखिए, रिकॉर्ड का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। तो चलिए रिकॉर्ड का ऑप्शन में क्लिक करते हैं और वीडियो को प्ले करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको तीन चीज मिलेगा, तो हम टेक्स्ट एंड डिस्प्ले हेड्स को सेलेक्ट करते हैं। ये रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे ही सेलेक्ट करते हैं अब उसके बाद यहाँ पर ही पूछेगा आपको स्टॉप करना है, तो आपको रिकॉर्ड में जाके फिर से और एक बार क्लिक कर देना है, तो वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ देखिए माय वीडियो का पिक्चर के नीचे माय वीडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और देखिए ये वाला जो चीज़ है, इसको हम फिर से प्ले करते हैं, उतना ही पोर्शन रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको तीन चीज मिलेगा, देखिए तो हम टेक्स्ट एंड डिस्प्ले हेड्स को 18 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर ही पूछेगा ऐड का नाम लिख दीजिए, हम यहाँ रिसीव देखिए 18 सेकंड का वीडियो चला है और रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो ये तो रहा एक फंक्शन कि आप किस तरह से चलता हुआ वीडियो में से किसी एक पोर्शन को आप रिकॉर्ड कीजिएगा। अब चलिए हम लोग दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। मान लिया कि आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर मूवी में रिलेटेड बहुत सारा ऐसा फोटोज़ है या ऐसा तस्वीर है जो आप चाहते हैं उसको हम स्नैपशॉट ले लें, मतलब वो स्क्रीन को स्नैपशॉट लेके एक स्टिल फोटो के इमेज के तौर पे आप रखना चाहते हैं। तो मान लिया ये हमारा वीडियो हम फिर से चला रहे हैं, मान लिया ये हमारा वीडियो है, हम इसका एक स्क्रीनशॉट लिख के रखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो देख लेते हैं, यहाँ से जाते हैं, हमारा जो वीडियो फ़िलहाल चल रहा था, एक्चुअली हम उसी वीडियो को चलाना चाह रहे हैं जो हमारा अपना है, नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक का मसला होता है। तो ये वीडियो चलिए हम फिर से चला रहे हैं। फिलहाल लिए कोई पोर्शन है जो आपको स्नैपशॉट लेना है, ठीक है। देखिए दूसरा ऐड ऐड गैरेज और यहाँ पे जाके एस, तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको स्नैपशॉट लेना है। मान लीजिए यहाँ पे इसको आप स्टॉप कर दीजिए और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और एस प्रेस कीजिए, शिफ्ट और एस प्रेस करके अपने स्नैपशॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी एक हमारे स्नैपशॉट या पोर्शन का आ चुका है। चलिए दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा कोई स्नैपशॉट अगर आपको लेना है तो उसको भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर जाके हम शिफ्ट एस करते हैं, देखिए स्नैपशॉट इसका भी आ गया, मैंने ये वाला वीडियो से VLC मीडिया प्लेयर से हम स्नैपशॉट भी ले चुके हैं और हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं जो पोर्शन हमको चाहिए था, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं, स्नैपशॉट की तरफ चलते हैं। देखिए हम फिर से चलते हैं माय डॉक्यूमेंट वगैरह में, यहाँ पर देखिए आपको कॉर्नर में पिक्चर का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, यहाँ चलिए और यहाँ पर देखिए एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी दो ठो आ चुका है, एक ये वाला हम लोग लिए थे और दूसरा ये वाला हम लोग लिए थे। ये दो स्क्रीनशॉट आपके चलती हुई वीडियो से आप ले लिए हैं। तो ये छोटा सा एक ट्रिक्स था आपके सामने, अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
और यहाँ पर ये सब्सक्राइब का आपको बटन मिलता है, आप यहाँ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।